राजधानी पटना में भू माफियाओं पर पुलिस का बड़ा हंटर चला है, जिसमें एक साथ 5 भू माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र इलाके का है। यहां से पुलिस ने 5 भू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी जमीन विवाद में गोली चलाने और जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। ये सभी विगत कई महीनों से फरार चल रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए राजीव नगर थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि लगातार राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर भू माफियाओं की नजर है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन सभी लोगों ने जमीन पर कब्जा करने की बात को स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भू माफियाओं को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन जो है बिहार सरकार की, उसको लोग कब्जा करवाना, किसी दूसरे को रंगदारी लेना, यही सारी सब काम है। भू माफिया है क्या ये? हाँ, ये लोग भू माफिया है। पहले भी इन लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। कौन है वो लोग? एक मनीष कुमार है और एक मिथिलेश कुमार है, जिन फायरिंग जिसमें कि आम सेफ का केस और 307 का केस उन पर पहले से भी लॉज है। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।